यहाँ उपस्थित मेरे आदरणीय शिक्षकगण और अपनी शिक्षिकाओं को हृदय से सादर प्रणाम करती हूँ। मैं तुम्हारी पूर्णिमा श्रीवास बी ए द्वितीय वर्ष की छात्रा और एनएसएस की विद्यार्थी आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं हिंदी दिवस के बारे में कुछ बोलने के लिए नहीं आई हूँ। हिंदी में मैं चाहती थी कि मैं कोई कविता प्रस्तुत करने के लिए मैं हिंदी देश को संबोधित करते हुए एक कविता लेके आई हूँ जो नारी शक्ति का भी आह्वान करती है। तो मैं कविता प्रस्तुत करती हूँ। निर्जला शुष्क सी धरती पर 1857 की क्रांति का समय। निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुम्हलाती है, जब घटा तौर पर अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नागफली पर पारिजात का सदृश्य बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का वध कराया जाता है, जब श्रृंगनाद की जगह सिंगारों की आवाजें आती है, जब कौलों के आदेशों पर कोड़े बाध्य हो जाती है, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कारण बनकर विशाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी होते मनुष्य धरती पे आना पड़ता है, धरती पे आना पड़ता है। हर कोना भरो वीरता से, हर कोना भरो वीरता से इस भारत की रंगनाई का बलिदान रहेगा सदा। उस मर्दानी लक्ष्मीबाई का बलिदान रहेगा सदा। उस मर्दानी लक्ष्मीबाई का गोरों के सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके हाथ। वो समय था जब तमाम राजा महाराजा अंग्रेजों के समक्ष समर्पित हो रहे थे। ऐसे में अगर महिला का स्वर बुलंद होता है तो अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना थी। गोरों के सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके हाथ। झांसी पर संकट छाया तो चल उठी शौर्य की महाजाल। अब ना कहते थे मैं जिसे जब पहली बार सकल देखी। भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर सवार कह लिया करनी जहाँ थोड़ी, कह लिया करनी जहाँ थोड़ी। जब तक मंशे से शीर्ष पर है, जब तक मंशे से शीर्ष पर है उधार है तरुणाई का बलिदान रहेगा सदा। मर्दानी लक्ष्मीबाई का गोरों की सेना पर रानी वानर बनकर छाई थी। रणचंडी ने खप्पर धर कर तब अपनी प्यास बुझाई थी। सच्चाई का बलिदान रहेगा सदा। उस मर्दानी लक्ष्मीबाई का ऐसी देवी के चरणों में, ऐसी देवी के चरणों में मैंने तो मस्तक शीश झुकाई हूँ। सभी के मन में राष्ट्रभक्ति बस इसीलिए मैं गाई हूँ, क्योंकि वर्तमान जैसा तैसा तत्का सभी का है, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए, व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। अश्वों के धार के समक्ष घुटने न देंगे हिंदू नारी बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंदू नारी बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। उत्तरा पड़े तो दुश्मनों के पक्ष जीने वाले लक्ष्मीबाई की तरह मर्दानी होनी चाहिए। धन्यवाद।